हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रसगुल्ले किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता करारी क्रंची सी पप पेटी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, झटपट और बहुत ही आसानी से आप घर में बनाकर खा सकते हैं। आप इसको चाय के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। छोटी मोटी पार्टी पे इनको बना सकते हैं। चलिए फैंटास्टिक सी पप पेटी की रेसिपी शुरू करते हैं। नियर स्टाइल पप पेटी बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए आधा कप मैंने ले लिया मैदा। मैदा में फ्रेंड्स टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें। थोड़ी सी लिए मैंने अजवाइन, अजवाइन हाथों से क्रश करके ऐड कर देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 2 से 3 टेबल स्पून लिया मैंने मेल्टेड घी। घी से बहुत ही खस्ता पेटी बनती है। अगर आपके पास घी ना हो तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। घी और मैदा को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। घी को फ्रेंड्स मैदा मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से आप मैदा को बाइंड करके देखना, अच्छे से बाइंड होती है तो मोइन मारा बिल्कुल परफेक्ट, नहीं तो थोड़ा सा और ऐड करना। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फ्रेंड्स सैनी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखे फ्रेंड्स सैनी सॉफ्ट डो बनाकर मैंने तैयार कर लिया। डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं ढककर, जब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ले लिया पैन। पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दें और इनको अच्छे से गर्म कर लें। और इन बारे फ्रेंड्स अच्छे से गर्म हो चुका है। 1/4 टीस्पून जीरा ऐड कर देता है, 1/4 टीस्पून हींग। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप जरूर से ऐड करें। जीरे को अच्छे से पकने देता है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा साबुत धनिया लेकर दरदरा कूट लिया, ये ऐड कर देता है। 2 से 3 हरी मिर्च लेता है, अदरक का टुकड़ा लेकर, इन्हें भी मैंने मोटा मोटा दरदरा कूट लिया, ये भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से भून लेते हैं 30 सेकंड के लिए, उससे ये कच्चापन खत्म हो जाए। हरी मिर्च और अदरक ये सेकंड के लिए फ्रेंच मैंने सारे मसाले भून लिए। इस तरीके से आप आलू का मसाला बनाओगे तो बहुत ही उम्दा और मजेदार बनकर तैयार होगा। इसी के साथ ही 4 से 5 लिए हैं मैंने बोन किए आलू। आलुओं को छिलका रिमूव कर दिया, इस तरीके से हाथ से तोड़कर ऐड कर दे। इसी के साथ ही फ्रेंच थोड़े से पाउडर मसाला शामिल कर देते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने दिया नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर दें। थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून दिया मैंने गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून दिया धनिया का पाउडर, थोड़ा सा दिया फ्रेंड्स मैंने काला नमक। काला नमक डालने से फ्रेंड्स आलुओं का मसाला इनहेंस होकर आएगा। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक आलुओं को मसाले में बहुत ही अच्छे से भून लेते हैं। और इस तरीके से आप आलुओं को स्पैचुला से तोड़ते जाए जिससे कि मोटे मोटे चंक्स ना रहे। 3 से 4 मिनट फ्रेंड्स मैंने मसाले डाले थे, आलुओं को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर ऐड कर देते हैं। आमचूर ना हो तो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हो, चाट मसाला भी ना हो तो नींबू का रस ऐड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैंने आमचूर के पाउडर को आलुओं में मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा महीन कटा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलुओं में। 1 टेबल स्पून लिया फ्रेंड्स मैंने चीज पाउडर, ये ऐड कर देते हैं। इससे आलुओं का मजा दुगना तिगना बढ़ जाएगा। अगर आपके पास हो तो जरूर से ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हो। चीज पाउडर की रेसिपी फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है, आप जाकर वहां चेक कर सकते हो। मार्केट से भी अच्छा फ्रेंड्स चीज पाउडर आप घर में बहुत ही कम दवा में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आलू के मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने बाउल में 2 टेबल स्पून ले लिया मैदा। मैदा में 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर देते हैं। इससे पेटी में बहुत ही अच्छी लेयर बन के आएगी। मैं पेटी के लिए स्लेरी बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसी के साथ ही फ्रेंड्स 1 टेबल स्पून लिया है मैंने कुकिंग ऑयल, ये ऐड कर देते हैं। दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स स्लेरी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। आप कंसिस्टेंसी स्लेरी की देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको बनानी है। स्लेरी को उठाकर साइड रख देते हैं। डो ने भी फ्रेंड्स काफी रेस्ट कर लिया है, डो को चेक कर लेते हैं। ये देखें डो हमारा बहुत ही अच्छे से परफेक्ट सेट हो चुका है। डो की फ्रेंड्स लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से आप छोटी छोटी लोइयां काट लें। ये देखिए फ्रेंड्स सारी लोइयों को पेड़े बनाकर मैंने तैयार कर लिए। एक पेड़ा उठाकर पतली से रोटी बेल देते हैं, रोटी आराम से बेल जाएगी। अगर आपकी रोटी चुपके तो थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स पतली से रोटी बेलकर मैंने तैयार कर दी है। ऐसे ही मैंने सारी रोटियों को बेलकर तैयार कर दिया। एक रोटी उठाकर फ्रेंड्स हमने स्लेरी बनाकर रखी थी, ये लगा लेते हैं। मूडी से चारों तरफ बहुत ही अच्छे से फैला कर लगाएं जिससे कि लेयर बहुत ही अच्छे से बनकर आए और क्रिस्पी बने। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लें। इसके ऊपर फ्रेंड्स हमने रोटी बेल कर रखी थी, दूसरी ये लगा लेते हैं। इस तरीके से आपने 6-7 जितनी रोटी बेली है इसी तरीके से एक को कर एक लगाते जान। ऐसी फ्रेंड्स ये आखिरी रोटी भी इसके ऊपर रख देते हैं। सारी रोटियां मैंने एक के ऊपर एक अच्छे से चिपका ली है और हाथों से अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर दे जिससे कि सारी रोटियां अच्छे से चिपक जाए। ऊपर वाली रोटी पर फ्रेंड थोड़ी सी स्लेरी लगा लेते हैं। अच्छे से फ्रेंड्स मैंने ऊपर वाली रोटी पर भी स्लेरी लगा दी है।
रोटी को आप रोल कर लेते हैं इस तरीके से, पहले थोड़ा सा पतला कर लें ऐसे, सो टाइट नहीं रोल करें जिससे कि खुले नहीं रोल। इस तरीके से फ्रंट थोड़ा सा रोल को पतला कर लें और अच्छे से इस तरीके से रोल को घुमाएं जिससे कि रोल अच्छे से चिपक जाए। थोड़ी थोड़ी फ्रंट साइड अलग कर देते हैं, दोनों साइड से हटा देते हैं। एक से डेढ़ इंची की दूरी पर फ्रेंड्स हम पेड़ काट लेते हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से आप छुरी को चलाएं जिससे कि लेयर खराब ना हो। ये देखे फ्रेंड सारे पेड़ मैंने काट लिए, लेयर कितनी अच्छे से बनकर आई है पेड़ में। पेड़ हमारी बहुत ही खस्ता और लेयरदार बनेगी। पेड़ को इस तरीके से रखकर इस तरीके से हाथ से दबा दें, सारे पेड़ ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक पेड़ उठा दो फ्रेंड्स, इसको पतला से बेल लेते हैं और हल्के हल्के हाथों से बेलें जिससे कि लेयर खराब ना हो। ये देखे हमारे फ्रेंड्स, मैंने पतली से रोटी बेल ली है, चारों तरफ से स्क्वायर पीस काट लेते हैं इस तरीके से काट लें। किनारों को हटाकर वापस से ऐसी ही पेटी बनाकर तैयार करेंगे। चारों साइड से फ्रेंड्स पानी लगा देते हैं। मजेदार हमने स्टफिंग बनाकर रखी थी, ये रख देते हैं। एक से दो चम्मच फ्रेंड्स स्टफिंग रखते हैं, और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग स्टफिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। इस तरीके से फैला कर रखें, इसको कर लेते हैं इस तरीके से सील, अच्छे से दबा दें इस तरीके से जिससे कि फ्राई करते वक्त पेटी हमारी खुले नहीं। ये देखें इसी तरीके से सारी पेटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स सारी पक पेटी मैंने बनाकर तैयार कर ली है, अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया है, ऑयल को बहुत ही नॉर्मल से हमें गर्म करना है। ऑयल हमारा फ्रेंड्स नॉर्मल गर्म हो चुका है, जिस तरीके से समोसा कचौड़ी का ऑयल गर्म करते हैं इसी तरीके से ऑयल को गर्म करना है। पेटी ऐड कर देते हैं एक एक करके, जितनी आपकी कढ़ाई में आसानी से आए उतनी ही ऐड करें। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स मीडियम टू लो रखें, लो फ्लेम पर पेटी को अलटते पलटते हुए गोल्डन करना है। इस तरीके से आप ऑयल को पेटियों के ऊपर डालते रहें जिससे कि लेयर खुलकर आए। थोड़ी सी फ्रेंड कढ़ाई में जगह थी तो मैंने एक और पेटी डाल दी है। अलट से पलटते हुए पेटियों को गोल्डन कर लेते हैं जब तक ऊपर ऑयल में पेटी फ्लो न करने लगे, जब तक हमें इनको टर्न नहीं करना। पेटी हमारी फूल फूल कर ऊपर ऑयल में तैरने लगी है, इनकी साइड चेंज कर देते हैं हम। इसी तरीके से फ्रेंड्स अलटते पलटते हुए इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स पेटी को मैंने अलटते पलटते हुए गोल्डन कर लिया है। इन चीजों पर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से कलर आ चुका है दोनों साइड से, अब हम इन्हें निकाल देते हैं। लेयर आप देख सकते हो पेटी चौ की कितनी अच्छे से बनकर आई है। इस तरीके की फ्रेंड्स चन्नी में निकाले जिससे कि एक्स्ट्रा सारा तेल निकल जाए। बहुत ही खस्ता मजेदार पेटी बनकर ये तैयार हुई है। ये देखो फ्रेंड्स सारे पफ पेटी फ्राई करके मैंने तैयार कर ली है, बहुत ही खस्ता क्रंची बन के तैयार हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी खस्ता बनी है, आपको खाते ही मजा आ जाएगा। आप बाजार की पेटी खाना भूल जाओगे, इस तरीके से अगर आप घर में बनाओगे तो आप उसका सॉस के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए।